अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं सब्जी मंडी शॉपिंग करने के लिए और हमारे साथ है सलमान साहब, ये साथ करेंगे बाइक ड्राइव करेंगे और आज आपको विजिट करवाते हैं गुजरांवाला सब्जी मंडी का। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग जो है वो सब्जी मंडी के बारे से है। शॉपिंग करने जा रहे हैं हम और सलमान साहब हमारे साथ है और ये हमारे साथ है छोटे ईमान फातिमा। देखें ये आज बारिश इंजॉय कर रही है। ईमान फातिमा क्या कर रही हो आप? जी तो नाज़रीन, आज बारिश की वजह से मौसम तो काफ़ी सुहाना हुआ है लेकिन ये बाज़ारों में पानी खड़ा हो गया है। तो अभी जा रहे हैं मंडी की जानब, तो आपको लेके चलते हैं आज मंडी। पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर चलेंगे मंडी की जानब। ये आ गए हम पेट्रोल पंप पे, अभी पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं सब्ज़ी मंडी गुजरांवाला की जानब। लें जी नाजरीन, पेट्रोल तो हमने डलवा लिया है, अभी जा रहे हैं मंडी की जानब। बारिश की वजह से पानी जगह जगह खड़ा है और हालत आपके सामने ही है कि कैसी है, और सड़क पे रश भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम। आज जुमे का दिन है असल में, इसलिए रश काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो चलते हैं मंडी की जानब, देखते हैं वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पूरा सा क्लियर भी है कि नहीं है। देखें जगह जगह पानी खड़ा, कीचड़ की वजह से गाड़ी स्लिप होने का भी खतरा है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हालात है। अभी जीटी रोड के करीब हम पहुँच चुके हैं, जीटी रोड क्रॉस करेंगे और चलेंगे सब्ज़ी मंडी की जानब। तो देखते हैं आज जुमे का दिन है असल में, तो जीटी रोड पे कितना रश है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस कट पे, क्रॉसिंग पे, तो इस बार तो कम ही है, शायद मौसम ख़राब होने की वजह से रश कम है इस बार। तो इस मौसम में आपको एंजॉय करवाने के लिए मैं जो है वो सब्ज़ी मंडी का टूर जो है मैंने चूज़ किया था। ये देखें आलू प्याज की वह बोरियाँ, आलू प्याज उतरा हुआ है लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने ढका हुआ है, अभी तक सेल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से इसकी बोली जो है वो शाम को होती है, शाम के वक्त असल टाइम मेरे ख्याल से इसकी बोली शुरू होती है आलू प्याज की। तो वैसे माहौल तो आपके सामने ही है सब्ज़ी मंडी का। ये देखें अभी एंटर हो चुके हैं सब्ज़ी मंडी में हम, तो ये साइड पे दुकानें हैं वो किराना स्टोर वालों की। तो इधर दुआ कीजिएगा कहीं पे गाड़ी जो है ना वो स्लिप ना हो जाए या फंस ना जाए, वरना बहुत मुश्किल पैदा होगी। तो ये सब्ज़ी वाले या और जो मसाला जाता है अरे उस इलाके में हम एंटर हो चुके हैं। अभी ये सामने जो दुकान है इधर से लेंगे आलू और प्याज। और परला 250 रुपये है कि मैं 300 ते और 250 किना ला रहा दो तड़ी असल देसी 10 किलो असल देसी। तो ना व्यूअर्स, ये हमने प्याज ये वाला सेलेक्ट किया है जो डाल रहे हैं अभी, तो घर के लिए ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ है इसका। ये दूसरे वाला जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आपको पता है घरों में नॉर्मल रेंज का जो यानी कि नॉर्मल साइज़ का प्याज इस्तेमाल होता है, इसलिए वो वाला चूज़ किया हमने। तो यहाँ से लेते हैं दो दड़ी प्याज यानी कि 10 किलो प्याज लिया, और ये दूसरी जो है ना 5 किलो पैक बना रहे हैं भाई। इसके बाद हम चलेंगे आलू लेने वाली साइड पर, ये आलू वाली साइड पे आ गए हैं। तो ये जो आलू ले रहे हैं हम तकरीबन 380 रुपए के 5 किलो, तो 7.5 किलो आलू इनसे लेंगे, वही काफ़ी है फिर दोबारा, क्योंकि हम सब्जी मंडी हमारे करीब ही है, तो इसलिए जो है ना वो नॉर्मल जो सौदा है वही मुनासिब रहेगा, ताकि दोबारा फ्रेश जो सौदा है वो बंदा आके दोबारा ले सके। शॉपिंग इसी बहाने ज़रा इंटरटेनमेंट हो जाता है। तो आज हालांकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से जो है ना वो कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है इधर, तो कीचड़ में मेरे तो जूतों का भी बुरा हाल हो गया, जूतों में पानी जाने लग गया। अभी आलू हमारे हो गए, तो चलते हैं सलमान साहब आगे जा रहे हैं, अभी चलेंगे वो मसाले वगैरह लेंगे, टमाटर हरी मिर्च ये आगे हम मिर्चों वाली दुकान पे। ये टमाटर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं ज़रा जूम करके।
ये आपको दिखाता हूँ जूम करके अच्छी तरह, ये देखें टमाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तो अभी डलवाते हैं इनसे टमाटर 140 मिर्चा। लें जी, ये अपनी मर्जी के डाल रहे हैं सलमान साहब टमाटर, ताकि वो कोई ख़राब दाना ना हो और जो चल सके। ये भाई ने अभी नहीं जो ना वो पेटी खोली है, उसमें से निकाल के दे रहे हैं। तो यहाँ पे मंडी में आपको पता ही है कि पंजाबी जबान ज़्यादा चलती है, इसलिए पंजाबी में सबसे पूछना पड़ता है कि क्या रेट है या क्या कर ये चीज़ है, ये सारा जो है वो पंजाबी में करना पड़ता है। तो अभी टमाटर हमारे हो गए, अभी मिर्चे ने जो है वो करेंगे, वजन हो रहा है मिर्चों का। इसके बाद हम चलेंगे सब्जियों की जानब, तो चलते हैं अभी करेले की बाजे सब्जी की जानब। ये आगे करेले जी, हाँ जी, हाँ जी, करेला का ये 80 रुपये तो कद्दू 130 ते करेला 80। आहो करेले तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, साइज भी ठीक है इनका, जो भर के पकाने हैं। मैं तो खाता नहीं हूँ करेले, तो घर वाले जो है ना वो करेंगे, इसलिए कम ही खाते हैं हम घर में, बड़े ही खाते हैं। तो इसलिए 1 किलो लेंगे करेले, और साथ में हमारे लिए हो जाएंगे कद्दू। हो जाएंगे कि नहीं? कद्दू को ज़रा चलें खा लेते हैं हम, ज़रा टेस्ट भी अच्छा होता है इनका। करेले नहीं आज तक खाए, पानी काफ़ी ज़्यादा है मेरे तो जूतों में, जूते जो हैं वो पानी से भर चुके हैं। कद्दू कितने? अभी ये बाबा जी करेले तो लेंगे हमारे, और उसके बाद कद्दू, फिर उसके बाद चलेंगे कोई नींबू। कितने हो गए? 300-400 ज्यादा बरीक ना भाई। हरा मसाला वगैरह तो सारा, सब्जियां वगैरह तो सारी हो गई हैं। अभी हम निकल रहे हैं मंडी से वापसी, और वो आगे दुकान है एक, वहाँ से कुछ मसाला ज़्यादा जो गरम मसाला यानी कि सूखे मसाले जो हैं वो लिए जाएंगे, उसके बाद सिर्फ वापसी कर। तो आज बारिश की वजह से माहौल आपके सामने ही है, कि बारिश की वजह से पानी खड़ा है और कीचड़ कितना हो गया मंडी में। काम तो काफ़ी मुश्किल था लेकिन अंजाम पा गया, अभी मसाले वगैरह लेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मंडी से हमारा काम गया हो ख़त्म, ये थोड़ा पड़ा हुआ है सलमान साहब के पीछे, तो ये मसाले भी इधर से क्लियर हो गए, अभी निकलते हैं वापसी की जानब। आज का मंडी का जो व्लॉग था वो हमारा हो गया पूरा, क्योंकि शॉपिंग हमने कर ली है मुकम्मल। तो अभी हम निकल रहे हैं मंडी से वापसी, ये जीरी रोड की जानब हम जा रहे हैं। तो आज का पहला व्लॉग था हमारा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो आने वाले वक्त में हम व्लॉग बनाएंगे वो आपको आसानी से हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आज के पहले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।